35 ए को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बार बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर पूरी रियासत की आवाम को गुमराह न करे। पूरी रियासत में एसएसए शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू की जाए और साथ ही उनके वेतन को केंद्र के बजाय राज्य सरकार के बजट से जोड़ा जाए। वहीं अखिल भारतीय मजदूर यूनियन ने जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान कई वर्कर्स ने अपनी गिरफ्तारियां दी। मजदूर यूनियन का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे ताकि किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। सांबा जिला के रामगढ़ में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान कई कस्बे में कई पौधे लगाए गए। तहसीलदार रामगढ़ ने बताया कि इसका मकसद पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। राजौरी के कालाकोट तत्तापानी क्षेत्र में एक सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। कांग्रेस ने आज क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की गई। बता दें 1942 में आज ही के दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। डीसी शोपिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीसी ने रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही डीसी ने अधिकारियों को जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए। ऑल जम्मू कश्मीर और लद्दाख वेलफेयर एसोसिएशन भी धारा 35A के समर्थन में आ गई है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि धारा 35A के हटने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। गन लाइसेंस की जांच को लेकर राज्यपाल ने दिल्ली की विशेष पुलिस टीम को सहमति दे दी है। बता दें राज्य में कई फर्जी लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस टीम को जांच सौंपी गई है। राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर में आबकारी विभाग ने 14,600 क्रक्स की बोतलों के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें आबकारी विभाग ने लखनपुर में नाका लगाया हुआ था। We'll be right back.